हेलो सर। यस मैडम, एम आई ऑडिबल? चलो गो थ्रू लास्ट लेक्चर नोट्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू प्लीज आस्क। नो डाउट सर। ओके, व्हाट वाज द लास्ट पार्ट मैडम? बफर सॉल्यूशन। ओके, बफर सॉल्यूशंस वी वर डिस्कस, राइट? यस। डिड वी डिस्कस हेंडरसन इक्वेशन बेटा? ऐसा कुछ किया था? सर व्हाट? दैट मींस वी हैव नॉट डन दैट। नो, बट वी आर अवेयर ऑफ नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज बफर और नॉट, राइट? यस सर। एक क्वेश्चन लिखिएगा बेटा। आइडेंटिफाई बेटा। सर हमें ये बताने कि इसमें से कौन कौन बफर सॉल्यूशन है। यस बेटा, केवल आपको ये बताना है कि ये बफर है, ये बफर नहीं है, ये बफर है, ये बफर नहीं है, लाइक दैट। राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। हाँ, हो पा रहा है बेटा? Write all answers together, huh? Like if your answers are A, B, C buffer, then you write A, comma B, comma C buffer. Very good, Rakshi. Very good. Very good does not mean correct, huh? Because you are sharing your answer. That is why I said very good. So every time I appreciate when you participate. Sir. Yes, brother. यस बेटा, मिल गया आपका आंसर, यही है और तो कोई नहीं है ना? नहीं सर। अच्छा, लेट्स सी, लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि बफर कैसे निकालते हैं। सो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, जैसे पहला वाला, ये तो हमने ऑलरेडी कल प्रूव किया था, एग्जैक्ट यही एग्जांपल दिया था। इसमें अगर आप देखोगे तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? CH3CO- NH4, राइट? इफ वी एड स्मॉल अमाउंट ऑफ H+, दैट विल गेट कंज्यूम्ड बाय CH3CO-. सो दैट H+ विल नॉट बी एबल टू चेंज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। इफ यू एड स्मॉल अमाउंट ऑफ OH-, दैट विल गेट कंज्यूम्ड बाय NH4+, बिकॉज NH4OH इज अ वीक बेस। So OH minus will also will not be able to change the pH of the solution. So it's a buffer solution. किसी को कोई confusion तो नहीं है इसको लेकर? नहीं sir, नहीं sir. अब आते हैं second वाले में। अच्छा, second वाला, third वाला, fourth वाला, fifth वाला, ये जानबूझ कर ऐसा लिखा गया है। पहली चीज, जब आपको ये दिया गया है तो इस गलत फहमी में नहीं रहना है किसी को कि NaOH विच इज अ बेस, HCl विच इज एन एसिड, ये कंपोनेंट्स होंगे। एक्चुअली में जैसे ही NaOH HCl की कांटेक्ट में आएगा, इमीडिएट वो पहले से क्या बना देगा? NaCl। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो NaOH प्लस HCl, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH गिवन? 1। हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl गिवन? 1। दैट इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl विल गेट? 1। सो 1 लीटर 1 मोल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पहले से अपने को मालूम है NaCl में आप कंपोनेंट्स क्या लिखेंगे? Na+Cl-। अगर किसी बच्चे ने मेथड को गलत जज कर लिया तो वो क्या सोचेगा कि बाहर से H+ डालेंगे तो NaOH उसको कंज्यूम कर लेगा, बाहर से OH- डालेंगे तो HCl उसको कंज्यूम कर लेगा, तो उसको बफर गेस कर सकता है बाय मिस्टेक।
बट एक्चुअली में ये NaOH प्लस HCl सोल्यूशन ही नहीं है, ये तो NaCl सोल्यूशन है। क्या ये बात समझ में आई? एन NaCl सोल्यूशन इज नॉट अ बफर सोल्यूशन, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसको देखो, क्या एक्चुअली में ये CH3COOH प्लस NaOH सोल्यूशन है या फिर कुछ और हो गया? ये क्या हो जाएगा बेटा? CH3CO, yes, it is actually CH3CONA solution. So CH3CONA will be having components what? CH3CO minus and Na plus. Na plus. Right na? So CH3CO minus will be able to consume H plus, but added OH minus will not be consumed by any acid here. That is why it is not a buffer solution. अब इसको देखो बेटा, ये बता सकते हो क्या एक्चुअली में ये सोल्यूशन क्या है जो दिखाया जा रहा है वो है या कुछ और? CH3CONA और CH3COH. Yes, fantastic. CH3COONA plus CH3COOH. How do we know this? Because ये 2 moles दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है? वन. तो बताओ इन दोनों में से कौन कंज्यूम हो जाएगा पूरी तरह से आपस में ही? NaOH. NaOH तो बचेगा नहीं सोल्यूशन में, और जितना NaOH है उतना ही CH3CONA बन जाएगा, और रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगी CH3COH की? 1 mole, यानी कि दोनों के 1-1 mole अवेलेबल होंगे सोल्यूशन में। क्या समझ में आया? Yes. और लास्ट लेक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव किया है क्या, कि अगर वीक एसिड अपने कॉन्जुगेट के साथ प्रेजेंट है तो वो एक्चुअली में क्या हो जाता है? बफर। हमारा क्या हो गया बेटा? बफर। तो ये बफर सोल्यूशन हो गया। अब तुम इसको देखो, क्या बता सकते हो एक्चुअली में ये क्या सोल्यूशन है जो दिखाया गया है, कुछ और? NH4Cl हो रहा है। NH4Cl और क्या होगा? और कुछ बचेगा या पूरा NH4Cl ही होगा? NH4Cl एंड NH4OH. Yes. क्योंकि अगर ये इक्वल अमाउंट में दिया होता तो कुछ भी नहीं बचता, बट ये हमारे लिए क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ना रिएक्शन में, ये कंज्यूम हो जाएगा पूरी तरह से, तो ये जीरो बचेगा HCl, और HCl जितना कंज्यूम हो उतना ही NH4Cl बनेगा। सो NH4Cl प्लस NH4OH ये एक्चुअली में क्या है? वीक बेस प्लस इट्स कॉन्जुगेट एसिड, एंड दिस इज ऑल्सो बफर सोल्यूशन, ये भी बफर सोल्यूशन हो गया। तो एग्जाम में वो चालाकी से क्वेश्चंस देगा बेटा, स्पेशली एडवांस में, वो तो सभी बच्चे रट के आएंगे ना कि वीक एसिड कॉन्जुगेट बफर, वीक बेस कॉन्जुगेट बफर, वो कुछ और स्टाइल से आपको देगा। जैसे आप देखो ना, डिफरेंस आपको दिखाई देगा सी और डी में, एक ही जैसे सब्सटेंसेस मैंने मिक्स किए, केवल क्या डिफरेंस कर दिया? मोल रेशियो का। आपका एक में बफर सोल्यूशन आया और एक में सिंपल सॉल्ट सोल्यूशन आया। क्लियर है? यस सर। तो फ्यूचर में ऐसी रिएक्शंस टाइप में या कुछ मिक्सचर्स टाइप में देगा तो हम लोग सबसे पहले फाइनल सोल्यूशन बना लेंगे, फाइनल सोल्यूशन में क्या क्या आ जाएगा, उसके बाद अपने कंपोनेंट्स चेक करेंगे, या फिर फाइनल सोल्यूशन में केवल इतना देख लेंगे कि ये वीक एसिड कॉन्जुगेट वाला केस बनता है, वीक बेस कॉन्जुगेट वाला केस बनता है, या वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट वाला केस बनता है। ये 3 केसेस अगर अपने को दिखाई दिए तो हम बफर बोलना शुरू कर देंगे, इनके अलावा जो कुछ दिखेगा सबको बोलेंगे नॉट बफर। इज इट क्लियर? यस सर। इसको कॉपी कर लो आप। सर एक बार बी पार्ट बता दो। बी पार्ट में बेटा NaOH और HCl का मिक्सचर बनाया गया है ना, तो NaOH पूरी तरह से HCl के साथ रिएक्शन कर लेगा क्योंकि 1 mole 1 mole दिया हुआ है। और क्या सोल्यूशन एक्चुअली में एग्जिस्ट करेगा? NaCl। तो जो दिखाया जा रहा है वो सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन तो NaCl का है, और NaCl सोल्यूशन इज नॉट अ बफर सोल्यूशन, हमने लास्ट लेक्चर प्रूव किया था। Should I remove this? Yes, sir. Sir, 1 second. Oh. Sir, you can remove.
एक और क्वेश्चन आप लिखो बेटा। हिंट केवल इतना है बेटा, जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो वही चीज हो। राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। वेरी गुड रुद्राक्षी। Are you writing answer? Yes, sir. Previous question से थोड़ा ये अपर वर्जन है उसका। Quickly write your answers. वेरी गुड मनस्वी। चल चेक कर लें अभी। यस सर। देवांग बेटा अच्छे से देखना आवा। यस सर। सबसे पहली चीज अपने को क्या चीज याद हो गई है बेटा? अपने को याद हो गई है क्या क्या कि अगर वीक एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट होगा तो उसको हम बफर बोल देंगे, राइट? फिर इसके बाद क्या याद हो गई? वीक एसिड के साथ क्या मिल जाए? कॉन्जुगेट बेस, तो भी बफर बोल देंगे, ठीक है? अब हम H प्लस और OH प्लस ऐड करने के बजाय इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। वीक बेस और कॉन्जुगेट एसिड मिल जाए तो भी हमारा वो बफर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? Yes, अब जैसे पहले वाले जो दिखाया जा रहा है वो तो एग्जैक्टली होगा ही नहीं, क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। वो बाहर से डाले हुए H प्लस का वेट क्यों करेंगे? वो तो आपस में ही रिएक्शन करेंगे, ये बेस है और ये एसिड है, ठीक। लेकिन क्वांटिटी मैटर करती है कि क्वांटिटी कितनी कितनी है। तो यहां पर वॉल्यूम दिया हुआ है और ये क्या है बेटा? मोलैरिटी। तो फॉर्मूला क्या होता है मोल्स या मिली मोल्स का? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ml में दिया है तो हम लोग क्या लिख लेंगे? मिली मोल्स, दैट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो एक्चुअली में कितने मिली मोल्स इसके दिए हुए हैं? 40। इसके कितने दिए हुए हैं? 20। तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन कंज्यूम हो जाएगा पूरी तरह से? Yes. तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो एक्चुअली में सॉल्यूशन में क्या है आपके पास? आपके पास एक तो NH4OH बच रहा है, ठीक, और क्या चीज बन रही है? NH4CN। याद रखना HCN एक वीक एसिड होता है। तो ये क्या हो गया? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। अब अगर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, यानी आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं जो H प्लस और OH माइनस को कंज्यूम कर सकते हैं और किसी की कोई खास जरूरत नहीं है, अगर पड़ा भी है तो इट्स ओके, दैट मींस ये हमारा बफर हो गया। बात समझ में आई बेटा? यस सर। इंपॉर्टेंट क्या था कि हमारे को मिल गया वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट जिसका सोल्यूशन बफर होता है, हम जानते हैं। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा NH4OH पड़ा हुआ है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। अब दूसरे वाले को देखो बेटा।
इसमें ये बेस है और ये एसिड है, कितने कितने इक्विवेलेंट दिए हुए हैं, मिली इक्विवेलेंट 40 40, तो एक्चुअली में इस बार सॉल्यूशन क्या है, प्योर NH4CN। यस, और ये तो पहले से ही हम बफर बोल रहे थे, हमें कंफ्यूजन पहले वाले में हो सकता है, दूसरे में नहीं होगा, यानी ये भी बफर हो गया। Yes. किसी को कोई डिफिकल्टी? क्लियर है ना? अब थर्ड वाले को देखो, ये तो मजाक कर रहा है क्यों, पहली चीज है NaOH है, कितना दिया है वैसे 20 मिली इक्विवेलेंट्स, ये कितना दिया है 10, सॉल्यूशन में क्या बन लेगा, क्योंकि NaOH और H2SO4 है ना बेटा, इसकी इक्वेशन क्या लिखी है, हाँ तो 2NaOH कंज्यूम होता है ना H2SO4 के साथ, तो एक्चुअली में तुमको यहाँ पर ये जो H2SO4 दिया हुआ है वो 10 है, ये तुम्हारा 10 दिया हुआ है और ये कितना दिया है 20, 1 requires 2, तो 10 will require 20, यानी पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, सॉल्यूशन में फाइनली केवल क्या नजर आएगा Na2SO4, क्या Na2SO4 salt of weak acid weak base है? नहीं, it's a salt of strong acid and strong base, so it's not a buffer solution, simple सी बात है। इसको देखो, 40 दिया हुआ है और ये कितना दिया है, इसके भी 40 दिए हैं, क्या देख पा रहे हो आप, तो एक्चुअली में आपका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, NH4Cl ओनली। क्या NH4Cl जो है बफर होगा? नहीं, NH4Cl एक सॉल्ट है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, जबकि हमारे पास बफर के लिए क्या कंडीशन है, वीक बेस के साथ क्या होना चाहिए, उसका कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड तो प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर NH4Cl केवल है, राइट। अब यहीं पर देखो बदल जाएगा ई में, कैसे बदल जाएगा और क्यों बदल जाएगा, कितना ये दिया है 40 मिली इक्विवेलेंट्स, ये कितने दिए है 20। इस बार कौन है जो थोड़ा बच जाएगा, NH4OH बच जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, NH4Cl। अब आया ये तुम्हारा क्या, वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, या वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट, बड़ा सिंपल है, वीक बेस और उसी का सॉल्ट बफर हो गया। आप इसको देखो बेटा, ये कितने दिए हैं 20 मिली इक्विवेलेंट्स, ये कितने दिए 40, क्या लगता है सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन HCN थोड़ा बच जाएगा और साथ में क्या बनेगा NaCN, यानी कि वीक बेस और उसका सॉल्ट, और वीक एसिड और उसका सॉल्ट, वीक एसिड और उसका सॉल्ट मतलब कॉन्जुगेट, तो ये भी क्या हो जाएगा बफर। क्या बात समझ में आई बेटा, तो हमारे पास कौन कौन से बफर हो गए, ए बी ई एफ ये बफर हो गए। किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। देख लो बेटा, क्योंकि आपके आप सबके आंसर्स में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन था, तो आपको कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तो प्लीज आस्क। नहीं सर आपको। ओके, कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Oh. So, now we will talk about pH of buffer solutions. अभी हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया बफर सोल्यूशन, तो एक बफर सोल्यूशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, तो जैसे हमने लिखा पीएच ऑफ कौन सा बेटा, जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, ये वाला केस तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो वी हैव ऑलरेडी डन दैट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले केस, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग शुरू कहां से करेंगे, इसमें पीएच ऑफ
solution of weak acid plus its salt, ठीक है, ये लेकर चले। तो जैसे मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन मैंने लिया जिसमें CH3COOH, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 ले ली, और CH3COONA, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने C2 ले ली। अब इक्वेशन लिख लेते हैं, CH3COOH गिविंग CH3COO- प्लस H+, राइट। अब इसकी खास बात क्या है बड़ा, कि ये जो CH3CO- है, ये CH3CO- पहले से प्रेजेंट है, कहां से, CH3CONA एक्चुअली में पहले ही डिकम्पोज हो चुका है, किसमें, तो ये जो ये C2 कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये पूरा का पूरा C2 इस फॉर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स जब तुम इनिशियल करके लिखोगे ना, इनिशियल, तो यहां पर C1, यहां पर C2 और ये 0 लिख देंगे। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? ठीक है, आप साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाला केस भी लगा सकते हो, कॉमन आयन दिखा सकते हो, उतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे इसको इसी में डील कर सकते हैं। और फिर एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या लिखेंगे, C1 - X, ये क्या हो जाएगा, C2 + X, और ये क्या है, X, और दी आइडिया ये। अब ये एक्चुअली में किसका, अगर चाहेंगे तो हम इसको डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड के उसमें लिख सकते हैं, तो ये है CH3COO- H+ upon CH3COOH। आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में दिखा सकते हो, C2 + X, X upon C1 - X, X H+ कॉन्सेंट्रेशन है। आप चाहो तो उसको डायरेक्टली इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसा मैं लिखूंगा अभी, Ka, और फिर क्या आएगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एट इक्विलिब्रियम। कोई प्रॉब्लम नहीं सर? अब इसका लॉग ले लो बेटा, नेगेटिव लॉग, तो -log H+ उधर करोगे, -log, और ये है Ka, CH3COOH, CH3COO-, और ये हो जाएगा -log Ka, और इसको हम लोग लिख सकते हैं -log CH3COOH upon CH3COO-, फिर ये -log Ka क्या हो जाएगा बेटा, Pk, ठीक है। और अगर माइनस में अंदर डाल दूं लॉग के, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +log, और इसको लिख देंगे, ये कहां से आया बेटा, ये जो सॉल्ट है वहां से आया। तो कई बार तुम्हें यहाँ एक्सप्रेशन में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा बुक्स में, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा लिखा हुआ तुम्हें मिलेगा ये, लेकिन मेरी एडवाइस है इसको अवॉइड करना, इसके बदले तुम ये रटना, pH = pKa + log concentration of conjugate base, आप इस तरह से याद करना, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। अब ये याद रखने का फायदा क्या होगा, कई बार वो ऐसी चालाकियां करता है, क्योंकि जैसे जब उसने तुम्हें CH3COONA दिया, तो C1 अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो तुम्हें कॉन्जुगेट का कॉन्सेंट्रेशन भी यही लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। लेकिन अगर उसने बाय चांस कोई ऐसा सॉल्ट ले लिया जिसमें कैटायन की वैलेंसी क्या निकली, 2, तो अगर तुमने यहां C1 लिया है, तो बताइए CH3CO- कितना आ जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है सर, आप लास्ट पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? दोबारा सुन लो, ये यहाँ तक सबको समझ में आया था कि pH = pKa + log salt upon acid मैंने लिख दिया। मेनी बुक्स विल फाइंड दिस फॉर्मूला ओनली, ठीक है,
इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन। बट माय एडवाइस इज कि आप वो फॉर्मूला मत रटना, आप ये फॉर्मूला रटना। क्या डिफरेंस है दोनों? डिफरेंस ये है कि CH3CO- तब तक सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है जब तक कि कैटायन और एनायन की वैलेंसी सेम है। अगर कोई ऐसा कैटायन दिया हुआ है जिसमें आप देखो जैसे कैल्शियम, कैल्शियम 2+ होता है तो CH3CO तो -1 होता है, इसीलिए होल ट्वाइस करके लिखा हुआ है। इससे क्या होगा कि जब ये डिसोसिएट करेगा तो जो कॉन्जुगेट आपको मिलेगा वो C1 नहीं मिलेगा, वो आपको कितना मिल जाएगा 2C1। समझे ना? तो एक्चुअली में यहाँ पर हमें फिर 2C1 करके लिखना पड़ेगा। वी विल नॉट बी एबल टू राइट C1, लेकिन अगर आपने सॉल्ट फॉर्मूला रटा हुआ है तो आप सीधे सीधे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन रखोगे। तो मान लो ऐसा दिया हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कैल्शियम एसिटेट इज C1। अब बच्चे ने फॉर्मूला रट लिया pH = pKa + log salt/acid, तो सीधे सीधे C1 वहां सब्स्टिट्यूट कर देगा और वही ब्लंडर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहां से कॉपी करना। This is acidic buffer solution. Sir, could you please go to the next page? Should I change the page? Yes. Yes. तुमने कर लिया? Should I remove this? Yes, sir. Yes. Now you're right. pH of solution of weak base plus its conjugate acid, weak base and salt, ऐसा करके भी आप बोल सकते। अब इसमें ले लेते हैं एक सोल्यूशन NH4 या फिर हाँ NH4OH plus NH4Cl, कॉन्सेंट्रेशन भी उसी तरह से बिल्कुल सेम मैनर में करेंगे हम लोग। तो वीक एसिड डिसोसिएशन वी कैन राइट NH4OH गिविंग NH4+ + OH-. NH4OH गिविंग NH4+ OH-. अब सॉल्ट कंप्लीट डिसोसिएशन मानकर चलते हैं तो NH4Cl ऑलरेडी सॉल्यूशन में क्या दे चुका होगा NH4+, राइट? कितना दिया है C2, तो इसको कितना लिख देंगे इमीडिएट C2। तो हम लोग जब लिखेंगे यहाँ पर इनिशियल एंड एट इक्विलिब्रियम तो यहां पर आएगा C1, यहां आएगा C2 और इसको क्या लिख देंगे 0। तो C1-6 ये हो जाएगा C2+X और ये X। आप X के टर्म्स में डील कर सकते हो जैसी रिक्वायरमेंट होगी अगर किसी क्वेश्चन में, अदरवाइज हम लोग क्या लिख देंगे इसमें KB ऑफ NH4OH इज इक्वल टू NH4+ कॉन्सेंट्रेशन OH- concentration and NH4OH concentration। अब यहां पर सेम मैनर में हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो OH- लिख लेंगे। OH- हो जाएगा KB NH4OH concentration equilibrium पे और NH4+ concentration equilibrium। Now -log OH- इज इक्वल टू -log KB और ये हो जाएगा -log यहाँ पर NH4OH और NH4+ या NH4Cl भी लिख सकते। ये सीधे सीधे क्या हो गई POH, राइट? POH ये क्या हो गया PKB और माइनस को अगर प्लस लिखना हो तो क्या कर दें, हम उल्टा कर दें इसको। Yes.
ये NH4+ तो हम लोग इसको जनरल मैनर में क्या लिख देंगे बेटा, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्सेंट्रेशन अपॉन वीक बेस कॉन्सेंट्रेशन, और बुक में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, सॉल्ट अपॉन, तो आपको लेकिन वो नहीं अवॉइड करना उसको, नहीं तो यहां भी उसी तरह की मिस्टेक्स आपको मिलेंगे, तो यहां से आप कॉपी करेंगे। सर आप नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। सबने लिख लिया बेटा? यस सर। डन सर। डन एवरीवन? यस। चल एक क्वेश्चन लिखो बेटा। Should I give you? Are you ready? Yes, sir. देखो, calculate the amount of NH3 and NH4Cl required to prepare a buffer solution of pH 9 when total concentration of buffering reagents is 0.6 moles per liter likh liya beta yahan tak? Yes sir. PKB of NH3 is given as 4.7. PKB of NH3 is given as 4.7. Get the answer. Write your answer in chat box. अच्छा अमाउंट में आप मेरे को कॉन्सेंट्रेशन बता दीजिएगा, अमाउंट में जस्ट टेल मी दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4Cl। ओ पा रहा है बेटा? I discuss? नहीं सर एक मिनट आ रहा है। मनस्वी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड मनस्वी। वेरी गुड देवांग। वेरी गुड रुद्राक्ष। चल तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, सब लोग चेक कर लो आपने ऐसा ही किया होगा परहैप्स। सबसे पहली चीज है ये कौन सा बफर है बेटा? बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए हम लोग पीएच वाला लगाएंगे फॉर्मूला या पीओएच वाला? पीओएच लॉग, और फिर यहाँ पर आप सॉल्ट भी लिख सकते हो, लेकिन रटने वाली आदत अपने को बना लेनी है। कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड
कॉन्जुगेट एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक। तो अब इसमें डेटा क्या दिया हुआ है, पीओएच दिया है कितना, 5 है ना, क्योंकि पीएच 9 दिया है तो आप निकाल लोगे। पीकेबी इसमें दिया है 4.7 प्लस लॉग। अब वो इन दोनों की सेपरेट कॉन्सेंट्रेशन मांग रहा है और टोटल में दे दिया उसने 0.6, तो किसी का आप कुछ भी एज्यूम कर लो, आप इसको एक्स एज्यूम कर लो या इसको एक्स एज्यूम कर लो, उल्टा कर दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, है ना। तो इट्स लाइक मैंने एक्स ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 0.6 माइनस एक्स, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, तो इसको एक्स ले लो और यहाँ पर 0.6 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसमें ये क्या है बेटा 0.3 और इसको ऐसे ही रहने दिया और 0.3 को हम लोग फटाफट क्या लिख देंगे, लॉग टू। तो सीधे सीधे अपने को आ गया 2 = x / 0.6 - x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, कितनी आती है, 0.4 ही आ रही है ना, ठीक है, क्योंकि ये 1.2 हो जाएगा और ये 2x उधर जाकर 3x हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1.2/3, तो ये आ गया x की वैल्यू आ गई। तो यानी कि x क्या है, NH4Cl के लिए हो जाएगा, है ना। yes. तो हमारा NH3 कितना हो जाएगा बेटा, और यूनिट्स के लिए वो मोल्स पर लीटर ऑलरेडी दिया है तो यूनिट्स हो जाएंगे। Should I remove this page? Yes, sir. ये हो गया। अब आप लिखिएगा बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी। इसके पहले एक नोट बोला जाए, yes. देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग बफर सॉल्यूशन क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि अगर उसमें आप H प्लस डालोगे तो वो H प्लस को कंज्यूम कर लेता है, यानी कि वो pH ऑफ द सॉल्यूशन को चेंज नहीं होने देगा। OH माइनस डालोगे तो OH माइनस को कंज्यूम कर लेगा, वो pH ऑफ द सॉल्यूशन या pOH ऑफ द सॉल्यूशन चेंज नहीं होने देगा, ठीक है। लेकिन हमने साथ में ये भी लिखा था स्मॉल अमाउंट, राइट। इसका मतलब है कि अगर आपने एक लिमिट के बाद भी H प्लस या OH माइनस ऐड कर दिया तो आवाज़ नहीं आ रही, अभी आ रही है। मे बी सम फ्लक्चुएशन हुआ होगा। सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू बेटा कि हर एक बफर का अपना एक कैपेसिटी होगा बफर सॉल्यूशन का, क्योंकि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एच प्लस और स्मॉल अमाउंट ऑफ एच माइनस ऐड करेंगे तब तक तो वो कंज्यूम कर लेगा, लेकिन अगर एक लिमिट के बियॉन्ड हमने एच प्लस या एच माइनस ऐड किया तो फिर बफर सॉल्यूशन विल नॉट बी एबल टू कंज्यूम एच प्लस एंड एच माइनस और उसका पीएच चेंज हो जाएगा। तो वो जो कैपेसिटी है जब तक वो कंज्यूम करता है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर बफर कैपेसिटी में। अभी सुनाई दिया, yes. एक नोट पहले लिखिएगा, बोले एच इसको ऐसे लिखिएगा, पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन Does not change on dilution. बड़ा सिंपल है बेटा, आप जब फॉर्मूला लिखते हो pH is equal to pK plus log conjugate upon let us say weak acid. तो जब आप dilution करोगे तो अगर इसकी concentration change होगी तो इसकी भी change होगी और उसी amount में change होगी, तो इसीलिए यहाँ पर ratio will remain same. So dilution will not change the pH of buffer solution. Further likhega, and does not change greatly when small amount of strong acid does not change greatly when small amount of strong acid or base is added.
does not change greatly when a small amount of strong acid or base is added. लिख लिया यहां तक? सर अमाउंट ऑफ के बाद क्या बोला आपने? स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड. ये हो गया बेटा. यस सर. आप दूसरा नोट लिखिएगा. The note is for buffer capacity. हाँ, लिखिएगा. The capacity of a solution to resist. The capacity of a solution to resist the change in its pH. The capacity of a buffer solution to resist the change in its pH is called buffer capacity and it is given by buffer index beta. कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? बफर इंडेक्स बीटा के. और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? बीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं टीबी अपॉन डी पीएच. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप बेस ऐड करोगे तो पीएच इंक्रीज कर जाएगा. यानी कि हम लोग डीबी मान लो समझ लो लिखते हैं कि इंक्रीमेंट इन यू नो ओएच माइनस. तो डी पीएच क्या होगा? पीएच बढ़ेगा कि कम होगा बेटा? पीएच बढ़ता है. अगर बेस डालोगे तो पीएच क्या होगा? बढ़ेगा. ठीक. आप ये भी कर सकते हो बेटा कि जैसे एसिड डाला तो डीबी निगेटिव हो जाएगा तो डीपीएच भी निगेटिव हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज करेगा ना. फाइनल मास इनिशियल निगेटिव आएगा. तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्या रहने वाली है? पॉजिटिव. क्या बात समझ में आई बेटा? दिस वैल्यू विल रिमेन पॉजिटिव. इसमें कोई वो चेंज नहीं होगा. आप चाहो तो बफर कैपेसिटी को ऐसे भी मतलब डाल सकते हो. कैसा? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर अपॉन चेंज इन पीएच. तो एसिड ऐड करोगे तो जो चेंज वो जो पीएच है एसिड ऐड करोगे तो आप जो है पीएच डिक्रीज दिखा दोगे. बेस ऐड करोगे पीएच इंक्रीज दिखा दोगे. रेशियो आपको पॉजिटिव रखना है. ठीक है? यस सर. चेंज कर दें पेज बेटा. हाँ सर. अब आप देखो कुछ कॉमन सेंस की बातें करते हैं. मान लीजिए कि आपने एक बफर सॉल्यूशन बनाया. आपने लिखा CH3COOH और लिख दिया CH3COONA. ठीक है? आपने लेट अस से इसके लिए लिख दिया 0.2 मोलर और इसके लिए मान लीजिए आपने लिख दिया 0.5 मोलर. ठीक. आपने ये लिखा. अब आप इस बफर को देखो और एक बफर मान लीजिए मैंने ये लिख दिया CH3COH 0.05 m मोलर और CH3COONA 2 मोलर 0.2 मोलर. इसके अलावा मान लीजिए कि एक मैंने लिखा ऐसा CH3COOH और यहाँ पर लिख दिया मैंने 0.2 मोलर और CH3COONA और यहाँ पर लिख दिया मैंने 0.2 मोलर. आप इन सब में डिफरेंस देखो. इसमें हम लोगों के पास दो कंपोनेंट्स हैं बेटा. एक ये कंपोनेंट और एक CH3CO- है. कौन सा कंपोनेंट H+ खाता है? CH3COONA. और कौन सा कंपोनेंट OH- खा रहा है? CH3COH. ठीक है.
तो अब आप सोचिए कि इसमें जब आप OH माइनस डालोगे तो उसको कंज्यूम करने के लिए तो बहुत ज्यादा CH3COH प्रेजेंट है, लेकिन अगर H प्लस डालोगे उसको कंज्यूम करने के लिए जो CH3CONa की क्वांटिटी है वो बहुत कम है, यानी कि ये एक अच्छा बफर नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट्स नॉट अ गुड बफर। हाँ, बफर का काम कर सकता है क्योंकि हमारे पास दोनों अवेलेबल, ये भी बफर का काम कर सकता है, लेकिन ये भी नॉट अ गुड बफर। लेकिन इसको देखो बेटा, आपने CH3COOH और CH3CONa इक्वल अमाउंट में ले लिया, इसका मतलब है H प्लस और OH माइनस उसी चेन जो जो जिस एक्सटेंट के साथ H प्लस को कंज्यूम करेगा उसी एक्सटेंट के साथ OH माइनस को भी कंज्यूम करेगा सॉल्यूशन, तो ये होगा वेरी वेरी गुड बफर, या आप इसको बेस्ट बफर भी बोल सकते हो। यानी कि फ्यूचर के लिए हमको क्या याद रखना है कि अगर pH का वैल्यू pKa के बराबर आ जाता है तो ऐसे को हम क्या बोल देंगे बेटा, बेस्ट बफर। क्या बात समझ में आई? यस सर। बेस्ट बफर pH इज इक्वल टू pKa, ये बेस्ट बफर है। हाँ, एक हम लोग यू नो लिमिट भी लेकर चलेंगे कि किस लिमिट तक हम उसको बफर की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो आप ये लिख लेना बेटा pKa प्लस माइनस वन, ये आप रेंज लेकर चलिएगा जिसमें हम उसको बफर की तरह ट्रीट कर लेंगे। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। रिमूव कर दें पेज बेटा। सर एक सेकंड। ओके ओके। Done, sir. Should I remove this? Yes, sir. चल एक क्वेश्चन आप लिखो, लिखिएगा अ 40 ml सॉल्यूशन, अ 40 ml सॉल्यूशन ऑफ अ वीक बेस DOH is titrated with 0.1 N HCl solution. The pH of the solution is found to be 10.04 and 9.14 after adding 5 ml and 20 ml of the acid respectively. Find out dissociation constant of the base.
कॉपी कर लो पहले तो इसको तुम लोग क्वेश्चन। कर रहे हो बेटा? यस सर। अच्छा मतलब आंसर निकाल रहे क्या? मैं ये पूछ रहा। हाँ हाँ वही। कुछ हो पा रहा है बेटा? सर कैलकुलेटर आप यूज कर लो बेटा इसमें। हाँ डिस्कस कर लें। तो द्राक्षी बेटा आपको आ रहा है? वेरी गुड गुड। एक बार और आप रीचेक करिए। हाँ वेरी गुड रुद्राक्षी वेरी गुड बेटा। चलो डिस्कस कर लें। देखो सबसे पहली चीज आप ये देख लो बेटा कि इसमें 40 ml दिया हुआ है वीक बेस का, लेकिन उसका मोलैरिटी नहीं दिया। रिएक्शंस मोल्स के टर्म्स में हम रिएक्शंस करते हैं, इसका अगर हम मोलैरिटी m मान लें ठीक है, तो इसके स्टार्टिंग के मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे बेटा? मिलीमोल्स हो जाएंगे 40 m। आप चाहो तो वो ना भी अज्यूम करो, आप ये मान लो कि एक्स मोल विल रिएक्ट ऐसा कुछ करके डेटा कर लो, लेकिन अगर आप इसको एम मान लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये 40 m आपके पास समझ लो अवेलेबल मिलीमोल्स ठीक। दो केसेस दिए हुए हैं, एक बार कहता है कि BOH का जो है HCl के साथ टाइट्रेशन कराया गया और HCl कितना डाल दिया गया उसमें 0.1। नॉर्मलिटी और मोलारिटी इसकी सेम होगी बिकॉज एन फैक्टर इसका कितना है 1 है राइट। तो हम इसको 0.1 मोलर भी लिख सकते हैं। और मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऐड किया गया बेटा पहले स्टेज पे 5। तो बताइए इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे? 0.5। ये हमारे पास अवेलेबल कितना है 40 m। इज इट क्लियर? 40 m। तो बताइए आपके पास कितना सॉल्ट आ गया 0.5 राइट। और ये कितना बच गया BOH 40 m माइनस 0.5। कोई कंफ्यूजन? ये बेस बच गया और ये सॉल्ट बन गया। सॉल्ट मतलब कॉन्जुगेट। तो हम यहां पर सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे POH इज इक्वल टू है ना POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग। और क्या लिख देंगे यहाँ पर कॉन्जुगेट कितना है 0.5। उसका टोटल वॉल्यूम मान लो वी है, वैसे भी वॉल्यूम कैंसिल हो जाता है, उससे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है। और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 40 m माइनस 0.5 अपॉन वी
राइट, टीओएच कितना दिया हुआ है इस स्टेज पे, टीओएच कितना दिया हुआ है 14 माइनस 10.04, राइट। ये आ गया आपके पास एक एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन के लिए अगेन इक्वेशन लिखोगे, रिएक्शन लिखोगे सॉरी, तो फिर से आप उसी स्टाइल में, आपके पास 40 ml था, आपने अब 20 ml तक पहुंचा दिया टाइट्रेशन के लिए, तो 20 ml का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ कितना कंज्यूम हो गया, 20 × 0.1 लिख सकते हैं ना, 2 mmol कंज्यूम। तो आपका BCL कितना बनेगा बेटा, जितना कंज्यूम हो गया उतना यहाँ पूरा का पूरा आ जाएगा, ये कितना बचेगा 40 ml − 2, राइट ना। तो हम लोग यहाँ फिर से POH का फॉर्मूला लिखेंगे, PKB प्लस log, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, वॉल्यूम फिर से कैंसिल करा देंगे, वही वेट एस मान लो 40 ml − 2, क्योंकि वॉल्यूम तो कैंसिल ही हो जाने है ना, ये केवल सीधे सीधे आपको m के टर्म्स में आ रही है। और POH इस बार कितना दिया है 10 − 9.14। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो, सॉरी 14 10 कहां से लिख दिया मैंने, नहीं 14, अरे POH है ना 14 − 9.14। सो अब इसको ध्यान से देखने से क्या पता चल रहा है बेटा, टू इक्वेशन दिख रही है आपको, और दो ही तो अननोन है, एक कैपिटल एम यहाँ पर नजर आ रहा है और एक पीके भी नजर आ रहा है। तो ये आप सॉल्व करना, पर आपने इसी तरह से कुछ किया भी होगा, जो मेरे पास डेटा है इसका वो KB का वैल्यू आता है करीब 1.828 मेरे पास लिखा है × 10⁻¹। इसको सॉल्व करना, कंफ्यूजन होगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके लिए बात कर लेंगे, ठीक है, इसको कॉपी कर। जिनसे कॉपी हो जाए वो अभी रेस्ट करें। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर।